विश्व शांति मंडल वॉज एस्टैब्लिश ऑन 1st अप्रैल 2011। अच्छा, ये भी एस्टैब्लिश हुआ है न्यू दिल्ली, तो इसमें भी ओपनिंग बैलेंस शीट आएगा नहीं, एंड द फॉरेन अकाउंटिंग ईयर फॉर द फर्स्ट ईयर 11 एंड 12, एंड देखो ना मेरा ईयर 31 मार्च 12 है। रिसीट पेमेंट, सब्सक्रिप्शन इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम, डोनेशंस इनकम, फर्नीचर वर्किंग लोन ये मेरा परचेस है, ओके बुक्स वर्किंग लोन ये मेरा परचेस है, बनेगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, न्यूज़पेपर अच्छा एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट वर्किंग लोन, बिकॉज फिक्स डिपॉजिट मेरा असेट होता है, फिक्स डिपॉजिट में डेफरी नहीं लगता है, बट देन टू बी अपना मेक एंड वर्किंग लोन। आप चाहे तो डायरेक्टली इसको बैलेंस शीट में लिख सकते हो, क्योंकि ओपनिंग तो दिया नहीं है, बट अपन अपने सिस्टम से करते हैं, इसके लिए वर्किंग लोन में डालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट, अच्छा पक्का सर, डेप्रिशिएट फर्नीचर 1000, अपन पहले से वर्किंग लोन तो बना ही रहे उसके ऊपर। एंटायर एंटायर अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस एंड डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज, मतलब यहाँ पे डोनेशंस एंड इसको हटा दूँ कैपिटलाइज लायबिलिटी में। सर आपका फेवरेट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोले इसने, देर आर 1000 मेंबर्स हु आर पेइंग 100 रुपी एज सब्सक्रिप्शन, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा 100 रुपीज 1000 लोगों से आने वाला है, मतलब माई इनकम कैन नॉट एक्सीड 1 लाख, मेरा इनकम 1 लाख होना चाहिए, बट मैंने कितना रिसीव किया मालूम है सर, 95, क्योंकि रिसीव दिया ना आप एकदम करेक्ट हो सर, 5000 मेरा आउटस्टैंडिंग है, नहीं समझा, तो मेरा इनकम इज फिक्स्ड एट 1 लाख, 1 लाख आना चाहिए था, 95 आया। हो गया सर इस पे मैं वर्किंग नोट लिख रही हूँ, अगर सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट से बढ़ा रहे तो प्रीपेड। अरे जबरदस्त, तुम क्या आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड ऑफिस रेंट, तो सैलरीज पे हम लोग टिक मार्क एंड रेंट पे टिक मार्क, वर्किंग नोट बनेगा मैडम पक्का, डिफिकल्टी जबरदस्त। चलो सर मैं क्या सोच रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी टारगेट बनाते हैं, 10 मिनट्स खत्म करते, क्या बोलता है, देख मैं कोई फास्ट नहीं जाऊंगा बट अपने को समझ में आ गया एंड इट इज वेरी इजी है ना, तो चालू होते हैं लाइक टाइम चालू करते हैं, कर सकते हैं हम लोग अभी, नहीं रुक जाना देखते हैं टाइमर है किधर है, टाइमर यहाँ पे टाइमर स्टार्ट, 10 मिनट तो लगे ना, ठीक है एंड स्टार्ट। चलो सर सबसे पहला रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन 95,000 ये मुझे लिखना है यहाँ पे वर्किंग नोट में, सब्सक्रिप्शन इनकम 95,000, एक ही इफेक्ट आएगा बिकॉज उसने मुझे रिसीट साइड पे दिया, कैपिटलाइज कैपिटलाइज करना है मुझे एंट्रेंस फीस एंड इसको, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैपिटल फंड, मैडम मेरे पास में एंट्रेंस फीस भी दिया है एंड मुझे डोनेशन डोनेशन भी दिया है, सो द अमाउंट इज 10,000 एंड 75,000, पक्का चला पूरे। पेमेंट साइड पे फर्नीचर बुक्स 20,000 एंड 15,000 ये मेरा परचेज है, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फर्नीचर एंड बुक कितना था, 20,000 15,000 एंड 15,000, सर एक और मेरे पास में असेट आने वाला है, जब भी आएगा तभी मैं लिख दूंगा उसको, एज ऑफ नाउ तो एक एक इफेक्ट देके खत्म किया मैंने। अच्छा बस नेक्स्ट मेरे पास में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000, प्रिंटिंग न्यूज पेपर 5 एंड 2,500, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड न्यूज पेपर, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 5,000, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2,500 मैडम। चला पूरे नेक्स्ट मेरे पास में दो एक्सपेंस है जिसपे एडजस्टमेंट है, 7,300 एंड 8,400 रेंट एंड सैलरी, 7,300 एंड 8,400 ऑफिस रेंट ये एक्सपेंस है मैडम, एंड सैलरी ये भी एक्सपेंस है, 7,300 8,400 वर्किंग नोट इसके लिए अपन ने उसको यहाँ पे लिखा है, एडजस्टमेंट इसके लिए वर्किंग नोट में लिखा है। फिक्स डिपॉजिट्स
दैट इज 1 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 1820,000। एफ डी यहाँ पे लिखना है, चार्ज कब हो गया वहाँ, 10 दिन में खत्म करना है। सर आप लोग ऐसा फास्ट फास्ट नहीं करेंगे, आराम से एक दिन आंसर तमक्कुन से करेंगे, तमक्कुन मतलब का आराम से करेंगे। उर्दू उर्दू ऐसा सर 1800 एंड बैंक बैलेंस कितना बोला आपने 20,000 करेक्ट है सर। चलो डन। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 1000, दो इफेक्ट आएगा सर। आपने अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था उसमें मिस्टेक कर दिया था, तो यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, एक बार डेप्री भी पूरा लिखता हूँ, मैं तो ये बोलेगा ये तकलीफ आधा आधा लिखता है हमेशा, इसका मैं पूरा लिखा मैंने, इन लोग का मुंह बंद कर देते हैं। ओहो नहीं तेरी बात कर रहा पूरा वाड़ी 1000 है ना, तो कोई बोलेंगे सर आधा आधा लिखा तो कोई भी 10 मिनट में खत्म कर सकता है, पूरा लिख के खत्म कर रहा हूँ मैं। आई चावत मदर्स नेटिव प्लेस, यहाँ पे आ जाओ मैं खत्म करने कुछ नहीं। कौन सा पूछ एंटायर नंबर ऑफ एंट्रेंस फीस एंड डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज, जो अपन ने पहले कर लिया। नेक्स्ट मुझे देयर आर 1000 मेंबर्स paying 100 as an income, so sir direct नीचे अपन लिख सकती है, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1000 members paying 100, that is going to be sir 1 lakh। sir दो effects आएगा ना madam, एक तो effect यहाँ पे लिखा मैंने और second effect मेरा income side पे जाएगा by subscription 1 lakh। पक्का डिफिकल्टी जबरदस्त हो तुम। नेक्स्ट है मेरे पास में यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया 600 एंड रेंट दिया 700। सैलरीज 600 रेंट, तो ये रहा सैलरीज सर, ये मेरा आउटस्टैंडिंग है तो एंडिंग हो जाएगा। यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग है, बट मुझे कौन सा चाहिए तो यहाँ पे और यहाँ पे हम और लिखना पड़ेगा। एंड पहले वाले में तो मैं पहले डैश कर देता हूँ, तो सैलरी 600 है एंड रेंट 700 है, पक्का ना। और कितने नालायक लोग हैं ना, ऊपर अपने को इन्फॉर्मेशन देख रेंट एंड सैलरी दिया और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में सैलरी एंड रेंट दिया, ताकि हम लोग उसका अमाउंट ना उल्टा कर दे। कभी कभी होता नहीं, अपन उस दिन एक क्वेश्चन कर रहे थे है ना, आपका टैली होगा बट दोनों का अमाउंट रॉन्ग हो जाएगा। यस, तो उन लोग यहाँ पे ऐसा अपने मार्क्स कट कर सकते हैं, बट अपन बोल देंगे अगले जो भी देगा अपन अपना मार्क्स देने वाले। चलो सर, अगर मैं ये सेकेंड इफेक्ट दूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर के लिस्ट में मुझे जाना है। यहाँ पे मुझे एल दिख रहा है, एल फॉर लायबिलिटी एंड कौन सा बैलेंस शीट एंडिंग वाला, बिकॉज ओपनिंग में तो आ सकता क्योंकि फर्स्ट ईयर है मैडम, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगी मुझे। सर आप यहाँ पे आउट ओ एस भी नहीं लिखा सर, ये फिर से बोलेगा तबला है सर, मैंने गंदा गंदा गाली देना पड़ा वो तबला बोला तुमने तो ठीक है, उसमें मैं डाल दू वो ही बोलते हैं। यहाँ पे क्या आएगा रेंट, रेंट इज 600, सैलरी 700, टोटल कितना हो जाएगा 1300 है ना मैडम। चलो और कुछ है मेरे पास में, कुछ भी नहीं है। सब्सक्रिप्शन आ जा, बस ये सब्सक्रिप्शन पहले देखते हैं हम लोग, ये अपने को पता ही है एक्चुअली इसका आंसर कि मुझे 95 मिला है, मुझे 1 लाख मिलना चाहिए था, तो कितना नहीं मिला है मैडम, एंड 5 लाख ऐड ही करना पड़ेगा ना, और ये आउटस्टैंडिंग ही होगा, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में एड ही आ रहा है करेक्ट है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 5000। डू यू अंडरस्टैंड दिस सर, यहाँ पे भी तो ऐड है, अगर आपने यहाँ पे भी 5000 लिखा तो भी तो आंसर आपका टैली होगा सर, टैली होगा, बट यहाँ पे तो मेरा फर्स्ट ईयर है ना, और फर्स्ट ईयर तो बिगनी में कुछ आ सकता नहीं, समझा, इसके लिए क्या हो जाएगा एंडिंग हो जाएगी मैडम। डू यू अंडरस्टैंड दिस, एंड ये इस बार मैंने फाइन किया है, तो सर यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क कर दूं ताकि याद रहेगा। एंड दिस 5000 इज एन इनकम, बट आउटस्टैंडिंग, तो इनकम के लिस्ट में जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ए दिख रहा है, नहीं समझी गई, इनकम है ना बेटा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, बराबर है इसकी बात, बोलो एक्सपेंस के टाइम पर लायबिलिटी होता है, ये तो क्या है अपना इनकम, इनकम की आउटस्टैंडिंग, समझी गई, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आउट एंडिंग सब्सक्रिप्शन, बाहर क्यों खड़े हो अंदर आ जाओ, मतलब
सर इसका हम लोग ऐड करें, दिस विल बी, दिस इज गोइंग टू बी 8,000 एंड दिस इज गोइंग टू बी 9,000. तो रेंट 8,000, सैलरी 9,000. वह एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा, टू रेंट, टू सैलरी 8,000, 9,000. मैं कर दूँ, समझे क्या? पागल थोड़ी है तुम लोग, मानो है क्या तुम लोग, समझे क्या? तुम लोग स्मार्ट लोग हैं. चलो ओपनिंग 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 खत्म. तो यहाँ पे कितना आएगा, 20,000, 15,000, 1,000. यहाँ पे भी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं. तो यहाँ पे भी आएगा 20,000, 15,000, 1,00,000. यहाँ पे कुछ नहीं कुछ नहीं. तो यहाँ पे कितना आएगा, 19,000, 15,000, 100,000. सर क्या आप ये वाला क्लोजिंग बैलेंस, क्या क्लोजिंग बैलेंस में लिखोगे? हाँ नहीं समझा, ऑब्वियसली ऐसा बोलते ना. ठीक है ब्रो, फर्नीचर, बुक्स और फिक्स डिपॉजिट कितना था ये, 19,000, 15,000. Do you understand that? One effect over here, one effect over here. I hope I am not going too fast. I am going fast. No, sir. But I am not too fast. Perfect. Perfect, sir. Malum meko. Okay, sir. Thank you so much, sir. Chalo. Now, I will be closing this and I will be definitely getting a surplus because income zyada lag raha hai mujhe yahan pe. 1,00,000. 1,00,000. Balance. Hai na, sir? Sir, apan isko add kar lete hain. डायरेक्टली वो 0,00 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को. चलो करते ना, वो अपना वो स्टाइल है तो 0,00,00,0 ऐड करेंगे, 0,00,00,0 ऐड करेंगे. यस सर, 5 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 1K. 6, 7, 8, 9, 9, 9, 18, 18 and 8 is 26. So 26 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 3 कैरी 74,500. डू यू अंडरस्टैंड दिस? और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरप्लस. मैंने इनको प्लस भी कर दिया सर और इसे माइनस भी कर दिया ऐसे. इसका शॉर्टकट मैंने बना के रख दिया है, 74,500 ऐड करेंगे हम. चलो ऐड करें हम लोग इसको, ये 500, ये 9, 15 ना सर, 1,59,500. 1,60,800 पे टैली होना चाहिए सर. अगर टैली नहीं हुआ ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ, इरफान बहुत मारेगा. 0,00,000 अभी नहीं, अगर टैली छोड़ देंगे सर. चलो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ. ओहो अरे सर, जैसे बोला टॉप का बोला नहीं, 15,000 ये तेरे चक्कर में मैं बताया, मेरा वो मिस हो गया, ऊपर से रिकॉर्ड भी हो रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. बहुत पढ़ा थे सर. चलो 20,000 प्लस 5,000 ये ईपी नूडल्स खत्म. सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का ये बट एक मिनट से अपन लेट हो रहे, एक ही मिनट से लेट हो, एक मिनट वो भी इसके पर चला गया, इसके लिए तो अपन कर लेते. तो सर दिस इज द क्वेश्चन. आई नो आई हैव बीन अ लिटिल क्विकली बट इट वाज नथिंग टू बी डिस्कस्ड एंड एग्जामिन में आपके पास आराम से 10 मिनट से ज्यादा टाइम ही होगा. तो अगर